हमारा तो, हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर ली है। राज्य सचिवालय नवन्ना में दीदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे बीच बहुत अच्छी बात हुई है, आवश्यकता अनुसार हम भविष्य में अन्य पार्टियों को साथ में लाकर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ सभी को सतर्क होना होगा, इसलिए हम सभी साथ बातचीत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि ममता जी से मेरा पुराना संबंध है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलकर लोकसभा चुनाव के लिए साथ आना है। हम लोगों की अच्छी और पॉजिटिव बातचीत हुई है। भाजपा इतिहास बदल देंगे या क्या कर देंगे कोई नहीं जानता, सभी लोग को सतर्क होना है, इसलिए हम सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी और सीएम नीतीश कुमार, वो सुने आप। हमारे पास आज नीतीश जी आए हुए हैं, नीतीश जी का ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी मैं 2-3 दफे गया था पटना में, वो याद आ रहा है। आज नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी, बिहार में जो लोग एक साथ में काम करके एक बहुत अच्छा बता दिया है भाजपा के खिलाफ में, मैं वो लोगों को स्वागत करे किया है और थोड़ा बातचीत भी हुआ है डेवलपमेंट का बारे में भी और थोड़ा पॉलिटिकल बात में भी। नीतीश जी हमारा इधर में आई हुई है, इसी के लिए मैं नीतीश जी को माइक देने चाहूँगा कि आपका अगर नीतीश जी को जो बोलना है आपको बोलेंगे, उनका भी जाना है, उनका फ्लाइट भी है, उसका बाद तेजस्वी को कुछ बोलना है तो तेजस्वी बोलेंगे और लास्ट में हमको आपको कुछ पूछना है तो हम बता देंगे। आज तो बातचीत हो ही गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है, आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहाँ से जो काम हो रहा, इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए, तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे, यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई, हम अपना ही कहेंगे बहुत अच्छा बात हुआ है। चलिए आपको जो कहना कर नहीं, नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है,
और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था, अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे, लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिलके हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ठीक, आई थिंक इट इज ओके। तेजस्वी कुछ बोलो। नहीं नहीं हो गया, बात हो गई। तो ठीक है, थैंक यू। आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। एक जन दूजन बेसि ना बोलो। তোমরা কিন্তু ন্যারেটিভ করে নেগেটিভ করবে না, বিজেপি শিখিয়ে দিলে। সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। লেট দেম সিট টুগেদার, দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। এ নাই কি বলছে, এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। অল আর টুগেদার, অল আর টুগেদার, দেশ কা জনতা লড়েঙ্গে বিজেপি কা সাথ, এন্ড অল পার্টি উইল ওয়ার্ক টুগেদার। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो आपने सुना इन दोनों ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।